नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर शहर एक निजी नर्सिंग होम में 7 साल की बालिका का ऑपरेशन कर उसके पेट से आधा किलो वजनी बालों का गुच्छा निकला है। इस बीमारी को ट्राइकोबेजोआर कहते हैं। यह अक्सर बिल्ली और कुत्ते की प्रजाति में पाया जाता है, जो अपने बालों को जीभ से चाटते रहते हैं। लेकिन मनुष्य में यह बीमारी गिने चुने लोगों में होती है और इसे मनोविकार से जोड़ा जाता है। दरअसल दतिया जिले की सेवड़ा में रहने वाले प्रेम बाथम की बेटी को पेट में दर्द रहता था। शुरुआत में बालिका वर्षा बाथम पेट दर्द की शिकायत करती रहती थी और इसके लिए उसका पिता उसे पेन किलर दे देता था। लेकिन कुछ दिनों से उसे नृत्य क्रिया में तकलीफ होने लगी और खाना पीना छूट गया। जब एक बाल रोग विशेषज्ञ को ग्वालियर में दिखाया गया तो उन्होंने बालिका का अल्ट्रासाउंड कराया था, जिसमें बालिका के पेट में बालों का गुच्छा दिखा। इसके बाद बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय उपाध्याय से संपर्क किया गया तो उन्होंने ऑपरेशन के जरिए गुच्छा निकालने की बात बताई। माता पिता इसके लिए तैयार हो गए और 5 रोज पहले एक निजी नर्सिंग होम में बालिका वर्षा के पेट से बालों का गुच्छे को निकाला गया। गुच्छा निकलते ही बालिका स्वस्थ महसूस करने लगी। उसे अस्पताल से छुट्टी कराकर गाँव भेज दिया गया है। चिकित्सकों के मुताबिक इस तरह का मनोविकार कुछ ही मनुष्यों में पाया जाता है, जो अक्सर अपने बाल खा जाते हैं। क्योंकि बाल चिकने होते हैं इसलिए वह आंतों में चिपक जाते हैं। इस बीमारी को हेयर बाल भी कहा जाता है। ये जो बच्ची जिसके बारे में आपने सुना होगा, ये बच्ची, इसका नाम वर्षा था, ये सेवड़ा की रहने वाली थी। इसकी उम्र करीब 7 साल की थी। तो इसमें जब ये बच्ची आई थी मेरे पास, तो उसमें जब कंप्लेंट था इनका कि बच्चे कुछ खा पी नहीं पा रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो उनके माता पिता को भी नहीं मालूम था कि इसको तकलीफ़ क्या है। जब उसकी जांचें कराई गई, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाया गया, उसमें पाया गया कि बच्ची के पेट में बालों का गोला बन गया है, जिसको कि हेयर बॉल कहते हैं। तो ये अमूमन तौर पर ये इस तरह की चीज़ें जो हैं मनुष्यों में नहीं दिखी जाती, क्योंकि बिल्लियों की प्रजाति में ये ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि बिल्ली जो है अपने बाल खुद संवारती है, तो वो बाल उसके मुँह में चले जाते हैं, और वो जब मुँह में बाल चले जाते हैं तो पेट में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। वो इसलिए होता है कि बाल चिकने होते हैं तो पेट से आगे हाथों में नहीं जा पाते और वो गच्छे का रूप धारण कर लेते हैं, तो इसको हेयर बॉल भी बोला जाता है। तो अमूमन तौर पे ये बाल खाने की आदत उन बच्चों में देखी गई है, खासकर लड़कियों में, जिनकी की साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो, मंदबुद्धि हो। लेकिन इस बच्ची के संग में ऐसा कुछ नहीं था, ये पूर्ण रूप से स्वस्थ थी, मानसिक रूप से स्वस्थ थी, लेकिन फिर भी इसको बाल खाने की आदत थी। उनके माता पिता को मालूम था कि बाल खाती है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि बाल खाने से इतनी गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये बाल जब इकट्ठे होते गए तो एक स्थिति ऐसी आई कि पूरे पेट में केवल बाल ही बाल रह गए उसके। तो उसको दर्द होने लगा और वो कुछ खाने पीने से में असमर्थ हो गई। तब वो यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मंगल नर्सिंग होम में जाके दिखाया। तो मंगल नर्सिंग होम वालों ने मेरे से संपर्क साधा, मैंने जब जाँचें देखी तो पाया कि इसके उसमें बाल का गुच्छा बन गया है और इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो इसका ऑपरेशन किया गया, बालों का गुच्छा निकाला गया और उसके बाद पूरा पेट में उसके टाँके लगाए गए। अब बच्चे जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ है, खा पी पा रही है, अब उसको कोई दर्द नहीं है, उसकी छुट्टी की जा चुकी। ग्वालियर के मोती महल राजस्व विभाग पर पटवारी की परीक्षा में पास हुए युवक और युवतियों ने प्रदर्शन किया। 1 साल पहले एक युवक और युवतियों का पटवारी की परीक्षा में चयन हो चुका था, लेकिन राजस्व विभाग में वेटिंग में करीब 1400 पटवारियों को रखा गया था, जिसका निराकरण 1 साल से नहीं हो पा रहा है। आज करीब 100 से ज़्यादा पटवारी की परीक्षा में चयन हो चुके छात्र छात्राओं ने राजस्व विभाग में शांति रूप से अपना विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन भी दिया। इनका कहना है कि जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। पाठक जी, आप बाइट ले लो, चुप जाएगा, विभाग वाले नहीं पहचान पाए कौन-कौन। अपनी जो पटवारी परीक्षा है मैंने सन 2017 दिसंबर में दी थी, उसके बाद 26 मार्च को मेरा रिजल्ट आ गया था। जब से 1 साल से मैं प्रतीक्षा सूची का इंतज़ार कर रहा हूँ। हमें पता चला है, विभाग द्वारा ही बताया गया है कि लगभग 1400 सीटें खाली हैं। हम 1385 लोग, 15% लोग वेटिंग में हैं, जिनकी 1 साल से विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी प्रतीक्षा सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। विभाग द्वारा 2 बार शेड्यूल जारी किया गया, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और शेड्यूल बेमतलब से कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ आकर विभाग हमें यह दलील दे रहा है कि आचार संहिता की वजह से आपका कार्य हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, किंतु चुनाव आयोग द्वारा भी, चुनाव आयोग से भी हमारे
जो समूह है हमने बात की तो उनका कहना है कि ऐसी कोई भी स्थिति विभाग द्वारा हमारे पास कोई लेटर नहीं है कि आचार संहिता या बेटिंग वाला कोई लेटर यहाँ से नहीं भेजा गया है। कहने का मतलब ये है कि विभाग सिर्फ अपनी लेट लतीफ़ी की वजह से हम लोगों का, हम 1400 युवाओं का भविष्य खतरे में डाला जा रहा है, क्योंकि लगभग ये जो प्रतीक्षा सूची है नियमानुसार 18 महीने के लिए वैलिड है। 18 महीने बाद हमारी जो दावेदारी है वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। आज हमारा मूक प्रदर्शन है अहिंसावादी, ना कोई किसी से, हमें हमारा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि विभाग हमारी प्रतीक्षा सूची हमें दे दे, हमें जारी कर दे, हमारी ट्रेनिंग हमें कब करनी है हमें ये बता दे, हमारी काउंसलिंग करवा दे। इतनी सी हमारी विभाग से मांग है और हम मूक प्रदर्शन है, हमारा किसी तरह का कोई भी हिंसा नहीं, अहिंसावादी प्रदर्शन। ग्वालियर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर कार पार्किंग के पास एक अज्ञात ट्रॉली बैग मिला, जिससे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौजूद लोगों ने इसकी सूचना RPF पुलिस को दी। RPF TI ने अज्ञात बैग की सूचना बम स्क्वाड को दी। सूचना मिलते ही बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची और ट्रॉली बैग की चेकिंग शुरू की गई, लेकिन उस बैग में कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली। बैग में कपड़े एवं मोबाइल मिला। RPF प्रभारी द्वारा सूचना मिली थी कि स्टेशन के सामने एक अटैची ट्रॉली और बैग लावारिस में पड़ा है, तो उसको मेरी टीम और मेरे द्वारा देखा गया तो उसमें कोई ऐसे सस्पेक्टेड आइटम नहीं पाया गया और उसको सामान को RPF थाने के सुपुर्द किया गया। और कोई ऐसी कुछ नहीं, ये कपड़े थे और कुछ खाने पीने के बैग्स में फ्रूट्स और ये ड्राई फ्रूट थे। हो सकता है कोई हो, किसी का सामान हो, चोरी का हो, किसी भी उसमें हो, तो कहीं उसको ऐसा लगा हो कोई हमें देख रहा है तो छोड़ के जा सकता है और फिर दोबारा उसे मौका न लगा हो कि इसे उठा ले और चला गया हो। अब वो फिर जब 2 घंटे 1 घंटे तक सामान पड़ा रहता है तो वो लावारिस माना जाएगा। चुनाव का टाइम वैसे ही चल रहा है तो RPF थाने से अपने लिए सूचना गई, उसके आधार पर हम लोगों ने उसे खोल के देखा तो रोज़मर्रा यूज का सामान मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। ये अभी 2-2.5 घंटा पहले हमको टेम्पो स्टैंड रेलवे स्टेशन ग्वालियर से सूचना मिली थी कि एक लावारिस अटैची पड़ी हुई है, साथ में एक झोला है। काफ़ी देर से हम लोगों ने जाके विजिट किया था, फिर देखा लोगों से आस पास लोगों को हटवाया और कार जो स्टैंड में रखी थी उनको हटवा कर हमने BDDS टीम को सूचना दिया। उसने आके चेक किया, उस सब सामान ने उसमें पहनने वाले कपड़े आदि किसी यात्री के हैं जो संभवतः वो भूल के चला गया है। नहीं नहीं, अब ये नॉर्मली यात्रीगण अपने सामान भूलते ही रहते हैं, हो सकता है यही आशंका व्यक्त की जा रही कोई यात्री अपना सामान भूल गया हो। चेकिंग हो चुकी है, ऐसा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। उसमें बच्चों के सामान और एक मोबाइल है और जो पता करके और यात्री को संभव संपर्क करके उनको हम वापस कर देंगे या जमा करा दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तारतम्य में ग्वालियर अधीक्षक महोदय नवनीत बसीन के द्वारा जिले में चोरों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शातिर चोर मनोज पाल उम्र 19 निवासी भद्रौली थाना महाराजपुरा को मुखबिर की सूचना पर से उसे पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ पर चोर ने कई चोरियों का खुलासा किया। ये मनोज पाल नामक व्यक्ति है जो महाराजपुरा थाना क्षेत्र में भद्रौली गांव आता है, वहां का रहने वाला है और इसको कोतवाली पुलिस ने अरेस्ट किया है, TI कोतवाली और इनकी टीम ने, और इससे करीब 5 चोरियों का माल बरामद हुआ है और भी इसने कई चोरियाँ करना। ये मूवमेंट इसका जो चोरियाँ जो इन्हें स्वीकार की हैं उनमें माधवगंज, जलंगंज और कोतवाली, ये मुख्यतः इसी क्षेत्र में सक्रिय था और इन्हीं थानों में चोरी कर रहा था। हाँ, ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं इससे और इसका रिमांड भी लेंगे, तो इसके कुछ साथी और हैं उनको भी अरेस्ट करेंगे और उनसे भी पूछताछ। इससे माल एक गोरखी स्कूल में इसने 2018 में चोरी की थी, वहाँ के पंखे बैटरी और कुछ सामान है वो बरामद हुआ है। लोहा मंडी में एक चोरी की थी, करीब 3 क्विंटल सरिया था वो बरामद हुआ है, और एक जनकगंज में चोरी की थी जिसमें 8 चांदी के सिक्के थे वो मिले हैं। तो इस तरह से कई करीब 5-6 चोरियों का माल इससे बरामद हो चुका है, से इसमें पूछताछ जारी है। नहीं बता रहा हूँ, नहीं 5-6 तो इसने स्वीकार कर ली और इसमें बरामदगी हो गई है और करीब करीब और भी कुछ खुलासे होंगे निश्चित रूप से।
ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत मरी माता पर बाइकों की आपस में 20 मार्च को भिड़ंत हुई थी। इस घटना में अशफाक खान उम्र 23 निहार कोटा सील का रहने वाला था। वह काम करके अपने घर वापस जा रहा था, तभी फूलबाग स्थित मरी माता मंदिर रोड पर बाइकों की जोरदार टक्कर हुई। उसे सिर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे जयारोग चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मंगलवार रात 3 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। जिस बाइक से उसका एक्सीडेंट हुआ उसकी पुलिस तलाश कर रही है। लड़का है मेरा अशफाक, ये आरकोटा चील रहते थे। ये 60 पे से काम करके आ रहा था। 20 तारीख को सुबह शाम को 7 बजे ये हुआ है। साईं बाबा का मंदिर रेलवे क्रॉसिंग के आसपास हुआ है। कहीं बाइक बाइक में हुआ था। हाँ, सर में चोट आई थी उसके। हाँ, दूसरे लोगों ने हमें तो बाद में मालूम पड़ा है, हमको पड़ा है 8:30 बजे मालूम। ये मृतक है, इसमें अशफाक खान पुत्र दिलसाद खान उम्र 25 साल और ये हारकोटा सीर थाना जनकगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका जो है इनका मोटरसाइकिल MP07 MF 6126 से एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद इनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। जांच के दौरान उपचार इनका जो है देहावसान हो गया है। ये घटना है। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विकास विभाग भोपाल द्वारा बुधवार को संजय दुबे ग्वालियर शहर में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने अपनी टीम के साथ आए। वहीं मोती झील प्लांट, तिगरा बांध, महाराज बाड़ा का टाउन हॉल और मोती महल में बन रहे कंट्रोल के कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं आचार संहिता का हवाला देते हुए मीडिया के जवाबों से कतराते हुए बाइट देने से किया इनकार। वैसे पूछना चाहो, पूछो जनरली। इस तरह की बात किया है, आपने मंजूरी दिया है, अभी आपने रिसीव किया है, हर जगह किन किन जगहों का निरीक्षण आपने किया है? श्री पीर साहेब राजे बागछर महाराज मंदिर की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में बताया गया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सांप्रदायिक सद्भाव एवं भाईचारे की जीवंत मिसाल पीर साहेब राजे बागछर महाराज का 3 दिवसीय उर्स शरीफ दिनांक 28 से 30 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इस पुनीत अवसर पर सभी बाबा बागछर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी, बाबा का हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी बाबा का जो उस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है वो 28 तारीख से सुबह 5 बजे झंडा मंडन और सेनाई वादन है। दोपहर 11 बजे से बाबा का रुद्राभिषेक भक्तों द्वारा किया जाएगा। उसके बाद 2 बजे ब्राह्मण भोजन का आयोजन है। शाम को 7 बजे से श्री डोलियो महाराज की कथा का आयोजन। रात को 9 बजे माता के चौकी का आयोजन। 29 तारीख को महारुद्राभिषेक एवं 2 बजे से विशाल महाभंडारे का आयोजन है। और शाम को 8 बजे से बाबा की शान में कब्बाली में दरबारी में पैसा जाएगी। 30 तारीख को सुबह 9 बजे संदल गुसल बाबा का टोका छीटा और चादर पोशी है। दोपहर 2 बजे फकीरों को लंगर लड़ाया जाएगा और शाम को 8 बजे से सलीम का बाजू का आयोजन एवं चादर पोशी और 8:30 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक सब इंस्पेक्टर की जमानत के मामले में अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए प्रदेश के पुलिस मुखिया और गृह विभाग के प्रमुख सचिव से पूछा है कि ऐसे कितने आरोपी हैं जिनकी अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और फरार हैं। दरअसल शिवपुरी के दिनारा थाना क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह और सिपाही आर के शुक्ला को गश्त के दौरान कुछ संदिग्ध लोग मिले थे, जिसमें दोनों ओर से फायरिंग हुई थी। एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया था। इस पर पुलिस कर्मचारी और फरियादी बने व्यक्ति के खिलाफ क्रॉस मामला दर्ज किया गया था। बाद में सब इंस्पेक्टर के पक्ष में घायल व्यक्ति ने अपना बयान दिया और मामले में FIR लगा दी गई।
लेकिन सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कथित डकैतों और पुलिस के बीच हुई फायरिंग की जांच दोबारा से करने के निर्देश दिए, लेकिन पिछले 7 सालों से मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। इस मामले में कोई अनुसंधान नहीं किया गया। पिछले साल इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस GS अलूवालिया ने जांच नहीं करने पर केस डायरी और सभी दस्तावेज सील करने के निर्देश दिए थे। इस बीच आरोपी रहे राजवीर सिंह ने अपना अग्रिम जमानत आवेदन हाईकोर्ट में पेश किया, लेकिन हाईकोर्ट ने केस डायरी के अभाव में जमानत आवेदन खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि इस मामले में 7 सालों से क्यों कोई जाँच रिपोर्ट पेश नहीं की गई। अब कोर्ट ने 2011-12 के ऐसे सभी मामलों की जानकारी मांगी गई जिनमें अग्रिम जमानत खारिज होने के बावजूद पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है। इसका जवाब पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग के प्रमुख सचिव को 29 मार्च को हाईकोर्ट में शपथ पत्र के जरिए पेश करना है। ये राजवीर की एक अग्रिम जमानत के आवेदन पत्र हाईकोर्ट में लगाया था। पहले क्या हुआ था कि इसके खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड हुआ था और क्रॉस केस रजिस्टर्ड, उस टाइम शिवपुरी में थाना प्रभारी था, तो रास्ते में आते वक्त इसके ऊपर किसी ने गोली चलाई, किसने बचाव में गोली चलाई, उस पर से क्रॉस केस रजिस्टर्ड हुआ, बाद में फरियादी होस्टाइल हुआ, तो हाईकोर्ट ने FIR जो इसके खिलाफ, राजवीर खिलाफ जो थी और एक हेड कांस्टेबल शुक्ला खिलाफ जो थी, वो FIR क्वेश्चन कर दी। उसके खिलाफ फिर ये स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने मैटर रिमांड कर दिया कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन करूँ। वो इन्वेस्टिगेशन का रिमांड होने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन बंद पड़ा रहा, उस पर से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच में क्या हुआ कि इन्होंने एक एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगाई कि साहब मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, एंटीसिपेटरी बेल दे दो। तो पहली वाली एप्लीकेशन तो विड्रॉ कर ली, वापस ले ली। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन लगाई तो ये हुआ कि साहब सरकारी वकील साहब ने कहा कि साहब डायरी हमारे पास नहीं है, एक दूसरे वाले क्रिमिनल केस में ऑनरेबल जस्टिस अहलूवालिया के ऑर्डर से वो डायरी हमारी सील्ड है, सील्ड लिफाफे में रखी है, इस कारण से उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा है। उस पर से फिर हमने एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। अब दूसरी एप्लीकेशन ये लगाई कि जब इन्वेस्टिगेशन रुका पड़ा है, डायरी सील्ड है, आगे इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पा रहा है, तो सरेंडर करने से सिर्फ हमें जेल ही जाना पड़ेगा, हमारा केस जमानत का कंसीडर नहीं हो पाएगा। तो उस पर से ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि DGP इस तरह का एक एफिडेविट दे के बताएँ कि 2011 के बाद से जिन मुलजिमों की एप्लीकेशन अग्रिम जमानत की हाईकोर्ट तक से खारिज हो गई, उनको गिरफ्तार करने का उन्होंने क्या प्रयास किया, और ये एफिडेविट अभी शुक्रवार तक अगली सुनवाई है, उस दिन आना है। तो उसमें पूरे प्रदेश में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से खारिज हो जाने के बाद अभी तक उनको गिरफ्तार करने का क्या प्रयास किया गया, इस बात को उन्हें बताना। ग्वालियर के लक्ष्मीबाई समाधि के सामने चौपाटी पर लगने वाले लगभग 40 से 50 ठेलों पर काम करने वाले कर्मचारियों के पुलिस ने परिचय पत्र चेक किए। पड़ाव थाना पुलिस ने बताया कि लोकसभा चुनाव होने हैं, इसको देखते हुए दुकान के मालिकों से काम कर रहे कर्मचारियों की ID प्रूफ देख जानकारी हासिल की। साथ ही किराए के मकान में रह रहे किराएदारों का भी पुलिस ने वेरिफिकेशन किया। ये चौपाटी पॉइंट है, यहाँ पे करीब 25-50 दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पे कुछ लड़के बाहर के नौकरी कर रहे हैं, तो इनकी आइडिया और इनकी एक जानकारी कलेक्शन की जा रही है आगामी चुनाव को देखते हुए, जिससे कोई अनावश्यक तत्व तो जो बाहर का कोई व्यक्ति न रह पाए, जिसकी पूरी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। वो भी जानकारी कलेक्शन किया जा रहा है, सारे किराएदारों की और मकान मालिक की पूरी जानकारी थाने पर इकट्ठी की जा रही है। उसमें जो भी किराएदार रहता है बाहर से, वो उसकी पूरी दुकान पर जो लड़के काम कर रहे हैं बाहर के, उनके बारे में पूरी जानकारी का इकट्ठी किया जा रही है। नहीं, कोई आवारा व्यक्ति भी है, कोई बाहर का है या नौकरी कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसी जानकारी मिली है, तो उनके बारे में ये क्या है, सभी व्यापारियों के साथ में मीटिंग रखी गई है, इसी बात के लिए रखी गई। व्यापारी हेमंत गुप्ता के भाई की कुछ महीने पहले हत्या हो गई थी। बुधवार को हेमंत को अपने बयान देने के लिए कोर्ट में उपस्थित होना था। उसी समय 5 से 6 लड़के आए और हेमंत से बयान बदलने के लिए धमकाने लगे और कहने लगे कि राजीनामा कर लो। इस पर हेमंत गुप्ता व्यापारियों के साथ इंदरगंज थाना पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। मेरे भाई अजय गुप्ता को 24 सितंबर 2018 को 4 गुंडों ने गोली मार दी थी। 10 अक्टूबर को उसका देहांत हो गया था। उस केस में मैं फरियादी हूँ, वो आज मेरी गवाही थी। गवाही देने के लिए आया तो अंदर मैं कोर्ट में गया,
तो गवाही में मुझे बताया गया कि एक आवेदन आया, उस पर बहस करने के बाद फैसला होने में 1 घंटा लगेगा। तो मैं कोर्ट के बाहर आके खड़ा हो गया। तो ये 5-6 लोग मेरे पास आए, बोले आप हेमंत गुप्ता हो? मैंने, हाँ। बोले आप इसको इस केस में राजीनामा कर लो, अगर आप राजीनामा नहीं करोगे तो हम आपको गोली मार के निपटा देंगे। तो मेरे संग मेरा भाई संजीव गुप्ता खड़ा था, जो बाथरूम करने गया था वो आ गया। तो हम इनके पीछे भागे तो एक लड़के को हमारे पकड़ में आ गया था, तो उसको लेके हम थाने में आ गए। अब पुलिस ने बाकी के लड़के भी पकड़े। हाँ, उनकी जेब में सब चिट्ठियाँ मिली हुई हैं, सब हम लोगों के नाम से लेटर लिखे हैं, जो इनका कहना है कि हमें जेल से उन लोगों ने दी हैं। वो चिट्ठियाँ पुलिस के पास है, मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, इसलिए मुझे ध्यान। 6 लोग थे, 5 पकड़ाई में आ गए। अजय गुप्ता हत्याकांड के प्रमुख फरियादी जो थे हेमंत गुप्ता, उनका आज न्यायालय में बयान था, तो उन्हीं की गवाही के लिए वो न्यायालय आए थे। उसी समय आरोपी पक्ष के कुछ लोग वहाँ पर आकर के उन्हें डरा धमका रहे थे कि अगर आपने समझौता नहीं किया तो हम आपको जान से ख़त्म कर देंगे, इस प्रकार से। तो वो तुरंत थाने पे आए, उन्होंने उनके द्वारा हम लोगों को पूरी बात बताई, उनके कहे अनुसार हम लोगों द्वारा मुकदमा कायम किया गया और उनके निशादेही आरोपियों को पकड़ा गया है। अभी 5 लोग पकड़े गए हैं और अभी मामला जाँच में, पूछताछ चल रही है, अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। अभी कुछ भी बरामद नहीं हुआ, पूछताछ चल रही है। हाँ, अभी पूछताछ जारी है, उस संबंध में पूछताछ जारी है, वो अभी कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगा। लेटर मिले हैं, कुछ नंबर मिले हैं, सभी गवाहों के नाम और मोबाइल नंबर मिले हैं उसमें, ठीक है, और उसी संबंध में पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। ये लोग वृंदावन के रहने वाले हैं। अभी कुछ भी पता नहीं चला, अभी पूछताछ जारी है, बस अभी लेके आए हम लोग। नहीं, अभी कुछ भी नहीं पता चला है, अभी पूछताछ कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद ही डिटेल जानकारी दे पाएंगे। दिनांक 23 मार्च को मुकेश साक्य ने इंदरगंज थाना पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाई कि करीब 2 बजे ब्रजेश बाल्मीकि ने मेरे घर आकर मुझे बताया कि तुम्हारा छोटा भाई दिलीप मृत अवस्था में बैडमिंटन कोर्ट के पीछे तवेला में पड़ा है। तब मैं, चाचा का लड़का और मेरे जीजा घटना स्थल पहुंचे। वहां मेरा भाई दिलीप के सिर में चोट के कारण खून फैला हुआ पड़ा था और एक खून से बिगड़ा खंडा पड़ा था। वहीं पुलिस ने, इंदरगंज थाना पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। आपको बता दें कि पुलिस की जांच के दौरान घटनास्थल से टूटी चूड़ी के टुकड़े महिला के बाल मिले, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि इस घटना में महिला की भूमिका लिप्त है। बताते चलें कि मृतक दिलीप शाक एवं कथित पत्नी गीता बाल्मीकि और ब्रजेश बाल्मीकि खाना बदोश होने के साथ साथ शराब एवं स्मैक के नशे के आदि थे। इसी को आधार मानकर संदेह के घेरे में उक्त दोनों गीता और ब्रजेश से कई राउंड में पूछताछ की गई। अंततः दोनों ने हत्या स्वीकारी और पुलिस ने निशानदेही पर आरोपी ब्रजेश की घटना पर पहनी हुई शर्ट और आरोपी गीता की घटना पर मिले साड़ी एवं फटा ब्लाउज और चूड़ियों को जब्त कर लिया है। ये दिनांक 23/3 को दिलीप साके की हत्या की खबर मिली थी, एक अननोन बॉडी पड़ी होने की खबर मिली थी। मोती तवेला है इंद्रगंज थाना क्षेत्र में, उसके पास में। तो अपराध पंजीबद्ध करके लगातार हम लोग अनुसंधान कर रहे थे और एसपी सर और सीनियर अधिकारी इसमें कुछ टिप्स दिए थे, उस आधार पर हम लोग काम कर रहे थे। तो इसका आज खुलासा हो गया है, इसमें 2 आरोपी हैं, उनको अरेस्ट कर लिया है। दिलीप साके को एक महिला है और उसका साथी था ब्रजेश, इन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की है। 22 तारीख को शाम को हत्या की थी। हत्या का अभी तक जो मेन कारण लगा, आशिनाई हो सकती है, जो एक महिला है वो और ये दिलीप साक काफ़ी लंबे टाइम से साथ साथ रह रहे थे और उसी महिला से ये एक जो आरोपी है ब्रजेश वो भी कहीं ना कहीं जुड़ा था। इन दोनों लोगों के, तीनों के संबंध थे, तो उसी उसमें इनकी हत्या हो गई। इसकी ये काम तो मुख्यतः ऐसा कुछ करते नहीं है, ये अचलेश्वर भगवान का जो मंदिर है वहाँ पे ये जो प्रसाद और जो भंडारे होते हैं उनमें खाना खाते हैं और छवृत्ति वगैरह करते रहते हैं, इस टाइप का इनका। महिला थाना पड़ाव और यहाँ पे कई मामले हैं इस महिला पे, हम लोग और देख रहे हैं क्या क्या हो सकता है, कुछ चीज़ें और निकलें इनसे। और अब हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ।